बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। थाल पोश है ये, और कलर यूज़ कर रही हूँ ये ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। और हुक यूज़ कर रही हूँ 1.0 mm। सबसे पहले ये मैं येलो कलर यूज़ करूँगी, ऑरेंज ऑरेंज कलर है। यहाँ पे ये 3 प्लाई की वूल है। यहाँ पे 3 प्लाई के मैंने डिज़ाइन बनाना है। ये थोड़ा सा टफ होना चाहिए इस डिज़ाइन को। यहाँ पे मैं 2 ये वूल यूज़ कर रही हूँ। ये 3 प्लाई की है, ब्रीक वाले। यहाँ पे देखो, अब इनको यहाँ पे डिज़ाइन जो बनाना है वो थोड़ा सा टाइट हो, ढीला ना, प्लीज से ये डिज़ाइन सही नहीं बनता। यहाँ मैजिक रिंग बनाऊंगी, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इधर 2 डबल चेन, फिर 1 2 3 चेन बनाने हैं, फिर इधर 1 2 3 और 4। आप यहाँ पे ये वूल 4 प्लाई की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, मैंने ये यूज़ की है। दोनों को मिला दिया है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब फिर यहाँ पे 1 1 2 और 3 3 और 4। यहाँ पे 4 चेन बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 चेन बाद यहाँ पे 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी में 1 2 3 और 4। यहाँ पे मैंने 4 डबल चेन बनाए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे, इस वूल को पकड़ कर खींचना। अब यहाँ पे 1 और 2 2 डबल चेन, फिर इधर से बंद कर दूँगी ऐसे। अब इसको मज़ीद टाइट कर दें। अब इसको कटिंग कर देंगे, कटिंग कर। अब इन दोनों को यहाँ से उठाकर इस चेन में इसको मज़ीद थोड़ा सा कर लूँगी। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। ग्रीन कलर यूज़ करूँगी ना, यहाँ पे भी ये 2 बनाऊंगी। मेरे पास 4 प्लाई का धागा नहीं था, ये वो इसी वजह से यहाँ पे ये 3 प्लाई का, इससे डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। आप 4 प्लाई का वूल यूज़ कर लें यहाँ पे। इसको 1 2, अभी यहाँ पे 2 चेन, फिर इधर इसमें 1 1 2 और 3, 1 2 2 चेन, 3 3 चेन बनाने के बाद 1 2 और 3।
करते दीजिए, फिर वन चेन, वन चेन मैंने करते इसमें वन टू थ्री, यहाँ पे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 2.0, वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद वन वन और टू थ्री, थ्री चेन, फिर यहाँ पे वन चेन लूँगी, वन टू थ्री, थ्री चेन बना लेते हैं यहाँ पे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर वन चेन, वन चेन बनाने के बाद इसमें वन टू, टू चेन इधर बनाए, वन टू और थ्री, थ्री वन टू थ्री, थ्री चेन, अब यहाँ पे फिर वन चेन, अब इसको यहाँ पे बंद कर दूंगी स्लिप स्टिच, अब इसको कटिंग कर दूंगी, कटिंग करने के बाद इसमें अब यहाँ पे ये इधर से स्टार्ट कर रही है, वन और टू, थ्री, थ्री चेन, इसमें दो चेन, अब हर चेन के ऊपर एक एक डबल चेन बनाते जाना, वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री, और इसके ऊपर एक चेन, फोर, यहाँ पे टू चेन बनाना, यहाँ पे वन और टू चेन, टू थ्री, और इसके ऊपर एक और यहाँ पे थ्री चेन बनाने हैं, वन टू और थ्री चेन, इधर एक चेन बनाने हैं, इसी तरह इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट, इस राउंड में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी बंद, अब इस राउंड में वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने हैं, इसमें
फूड बल्चें वन और टू, टू चेन बनाने हैं यहाँ पे, टू डबल चेन, टू चेन। अब इसमें टू डबल चेन वन और टू, टू डबल चेन यहाँ पे वन और टू, टू चेन यहाँ पे वन और टू चेन। अब इधर वन टू डबल चेन, अब इसमें टू डबल चेन वन और टू यहाँ पे वन वन टू इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस राउंड में वन डबल चेन और टू डबल चेन, अब यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी। वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इसी चेन के ऊपर एक डबल चेन। अब यहाँ पे वन, शुरू में टू बनाए थे, वन टू और यहाँ पे थ्री, थ्री चेन आ जाएंगे। यहाँ पे टू है, टू के बाद थ्री और इसके ऊपर इन टू के ऊपर टू डबल चेन बनाने हैं, वन और टू। फिर यहाँ पे वन टू और थ्री, थ्री डबल चेन, इसके ऊपर दो डबल चेन बनाना है, वन और टू। यहाँ पे इस राउंड में टू डबल चेन वन चेन वन, अब यहाँ पे टू थ्री फोर और यहाँ पे ये फाइव डबल चेन और यहाँ पे टू डबल चेन फाइव। हर राउंड में एक एक चैन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट में मैंने किया था टू डबल चैन यहाँ पे और इधर से भी यहाँ पे गया, ये है इधर टू टू टू, यहाँ पे टू डबल चैन, इन दोनों के टू डबल चैन के दरमियान में यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगले राउंड में सेवन बनेगा। उससे आगे एक एक हर राउंड में यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में एक एक चैन बढ़ता जाएगा। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ से भी ये मैंने काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन राउंड है। यहाँ पे ये मैंने दस राउंड कंप्लीट कर लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे दस राउंड मैंने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पे टू चैन, टू चैन के बाद वन टू थ्री, थ्री फोर फोर फाइव सिक्स और सेवन, यहाँ पे सात चैन बनाए हैं, ये टू चैन और इन टू चैनों के दरमियान में यहाँ पे भी टू चैन और इधर भी टू चैन पे यहाँ राउंड है। इसके सेंटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे एट डबल चेन बनाने हैं। एट डबल चेन बनाने के बाद इसके ऊपर स्टिच, फिर वन चेन, इसके बाद इसको कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पे इन दोनों डबल चेनों के ऊपर वन और टू,
यहाँ पे टू चेन बनाने के बाद इन दोनों के अंदर यहाँ पे वन टू थ्री बार या एक चेन को छोड़ के दूसरे में इस तरह इन तीनों को निकालें। अब यहाँ टू चेन बनाने के बाद इधर टू थ्री और फोर बनाने वन चेन को छोड़ के टू वन टू टू चेन वन टू थ्री थ्री सही रहेगा। पांच चेन को छोड़ के टू में इस तरह वन कर देना। अब यहाँ पे वन टू टू चेन बनाने के बाद वन टू और थ्री थ्री चेन अब एक को छोड़ के दूसरे में वन टू और थ्री वन टू थ्री फोर फोर में अब इसको छोड़ना किस गैप नहीं करना इसी चैन के साथ यहाँ पे बनाना है इस तरह वन टू थ्री फोर और फाइव में यहाँ गैप नहीं रखना इसी के साथ दूसरे चैन में बनाना है एक चैन। यहाँ पे एक गैप रखा था इधर भी वन चैन पे इधर भी। अब इसके बाद यहाँ पे फिर वन टू चेन बनाने हैं वन इनके ऊपर वन टू और थ्री थ्री चेन बनाना। अब यहाँ पे वन टू टू चेन बनाने के बाद फिर इसी में वन टू थ्री वन ये कुछ हो गया टू में वन टू वन टू और थ्री वन को छोड़ के टू में वन टू इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है वन टू थ्री। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फोर के बाद यहाँ पे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और जो फाइव बनाया था इसमें कोई गैप नहीं रखा था साथ ही इसके साथ ये बनाया था। अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और इसमें अब वन टू और थ्री थ्री चैन में अब कोई गैप नहीं रखना इसके साथ दूसरे में यहाँ पे ये डबल चेन बनाना है फिर वन टू इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसी तरह इस राउंड को यहाँ पर कंप्लीट पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर वन टू टू चेन बनाने हैं टू चेन बनाने के बाद इसमें वन टू और थ्री यहाँ पे थ्री बार करना है इसको। इसके बाद यहाँ पे इसको ढीला नहीं करना थोड़ा सा टाइट कर रखना है यहाँ पे फिर वन और टू टू चेन बनाने के बाद इधर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे वन चेन वन चेन वन टू 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 चेन बनाने हैं इसमें वन और टू यहाँ पे वन वन
टू, इसी में टू टू डबल टू चेन बनाते जाना है, वन और टू, जो यहाँ पे बनाया था इसके सेंटर में ये एक गैप नहीं रखा था, यहाँ पे एक चेन का गैप रखा है, इधर नहीं रखा था, इसके ऊपर थ्री बनाने हैं यहाँ पे, इसके ऊपर वन और टू टू चेन, यहाँ देख इसके ऊपर थ्री चेन बनाने हैं, वन टू और थ्री, फिर इसमें टू चेन बनाने, वन और टू, वन और टू, वन टू, वन टू। अब इसके ऊपर यहाँ पे गैप है, इसमें थ्री बनाने हैं, इसके ऊपर यहाँ पे वन टू और थ्री, ये जो इसमें गैप नहीं है इसके ऊपर यहाँ पे थ्री चेन बनाना, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ तक यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब अब यहाँ पे वन टू थ्री चेन, यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव चेन, फाइव डबल चेन, इसके बाद यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चेन बनाने के बाद नीचे से वन टू थ्री फोर, फोर में डबल चेन बना देना, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल चेन, अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चेन, वन टू थ्री फोर, फोर में डबल चेन बनाना है, वन टू थ्री फोर, फोर बनाए फाइव, फाइव बनाने थे, वन टू थ्री फोर और फाइव, यहाँ पे फाइव डबल चेन, इसके बाद वन टू थ्री फोर, फोर चेन बनाने के बाद वन टू थ्री फोर, फोर में वन करना, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है वाइट, और वन चेन बनाने के बाद यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फोर डबल चेन है, थ्री में से इस तरह कर देना है, फिर यहाँ पे वन टू, टू चेन बनाने के बाद इसके ये जो थ्री थे इसके सेंटर में वन वन टू और थ्री, यहाँ पे थ्री को एक साथ निकाल लेना है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चेन बनाने के बाद फिर इसी में वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री चेन बनाने हैं, फिर इसे बंद कर देना है, वन टू, टू चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो फाइव डबल चेन थे वन टू फोर थे थ्री के ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब यहाँ पे थे वन टू, टू चेन बनाने के बाद ये जो सेंटर में थ्री चेन छोड़े थे वन टू थ्री, इसके टू में वन टू और थ्री, थ्री चेन, फिर इनको इस तरह निकाल लेना, वन टू थ्री फोर, फोर चेन बनाने के बाद फिर इसी में वन टू और थ्री, यहाँ पे थ्री वन टू, टू चेन बनाने के बाद फाइव, वन टू और थ्री में स्लिप स्टिच कर देना है, इसी तरह इसको कंप्लीट करना है, वन टू
यहाँ पे है 1 2 3, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर इसी में 1 2 3, 1 2, इस तरीके पर इस तरह बंद कर देना है। 1 2 3 बनाने के बाद फिर इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर रेड, यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने हैं। 10 चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस ग्रीन को और ये बैक पे पीछे 5 चेन बनाए थे, इन दोनों को एक साथ ऐसे बंद कर देना है, अटैच कर देना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 7 डबल चेन बनाए हैं 7। अब इसको फर्स्ट पे चेन में से अटैच कर देना है, इस तरह बंद कर देना है। अब इसमें इस राख में यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बनाने हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 चेन बनाने के बाद यहाँ पे अब दोनों को एक साथ बंद कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डबल चेन बनाए हैं। यहाँ पे ये 10 चेन इस वजह से बनाए, यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। 7 डबल चेन, फिर इस होल में इस राख में 3 चेन बनाने हैं, 1 2 चेन और 3 चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, यहाँ पे 10 चेन, फिर इधर 1 2, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है 7 डबल चेन के साथ। हाँ भाई, ये रेड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ पे चेन बनाने हैं 2 3 और 4, यहाँ पे 4 हाफ चेन। अब इसमें यहाँ पे जो है इसके ऊपर इधर इन दोनों को यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 बनाने के बाद फिर इधर 1 चेन के बाद फिर इधर इसमें यहाँ पे जो ग्रीन अटैच किया था इधर के ऊपर इसके यहाँ पे हाफ चेन बनाना है। 1 2 3 और 4, उसके बाद इधर यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी 4 चेन
फोर हाफ चेन। अब इसके यहाँ पे इसके सेंटर में ये डिवाइड बनाने हैं, इसके बराबर ही बनाना है रेड के, यहाँ पे ये बराबर और इसके ऊपर की राउंड, इसी वजह से यहाँ पे ये हाफ चेन बना रही हूँ। इसके रेड के बराबर इसको होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे ये रेड के बराबर हो जाएगा 4। फिर इधर इस गैप में 1, 2, 3, 4 बनाने के बाद इस पीछे यहाँ पे 1 चेन बनाने के बाद फिर इधर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस गैप में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फिर 1 चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है 1 चेन उसके साथ। यहाँ पे ये रेड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे हाफ चेन थोड़ा सा इस वूल को ऊपर करना है, बड़ा चेन बनाना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 चेन फिर इधर बंद कर दूंगी। अब इधर 1, 2, 3 चेन, हर चेन के ऊपर एक एक हर चेन के ऊपर एक चेन बनाते जाना है, एक डबल चेन 1, 2, 3, 4, 5, 7 यहाँ पे इसके ऊपर 8 और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह हर चेन के ऊपर एक एक डबल चेन बनाते जाना है। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक चेन ध्यान इसी तरह यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। इस राउंड को इस तरह कंप्लीट यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है वाइट राउंड। अब इसे कटिंग कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे येलो कलर यूज करूंगी, यहाँ पे येलो कलर। टू डबल चेन के बाद इधर
बैक में पीछे की तरफ जाकर एक चेन में डबल चेन बनाना है। फिर यहाँ पे फिर इधर एक चेन को छोड़ के दूसरे में वन और वो डबल चेन, फिर इसके पीछे बैक साइड पे यहाँ पे वन छोड़ के टू में एक डबल चेन, फिर दूसरे में यहाँ पे बैक में वन छोड़ के इसमें एक डबल चेन, दूसरा डबल चेन, फिर बैक इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। कर लिया है येलो राउंड। अब यहाँ पे इधर थोड़ा इसमें इधर वन कर दो, इसके ऊपर वन टू थ्री चेन, अब हर चेन के ऊपर एक एक डबल चेन बनाते जाना है। अब हर चेन के ऊपर एक डबल चेन बनाते जाना है। वन टू थ्री, यहाँ पे फोर के ऊपर ये जो फोर बने हुए हैं यहाँ पे डिज़ाइन, वन टू थ्री और फोर के ऊपर टू डबल चेन, फिर इस तरह हर राउंड को कंप्लीट करते बनाते जाना डबल चेन के साथ। वन यहाँ पे फोर, यहाँ पे डबल चेन बनाया था, इसमें डबल चेन वन टू थ्री फोर, फोर में फिर डबल चेन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है डबल चेन के साथ। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ये राउंड शुरू करें, वन टू थ्री चेन बनाने के बाद वन टू थ्री फोर डबल चेन, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर चेन, वन टू थ्री में
बंद कर देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, 1 2 3 3 में डबल चेन, 1 2 2 यहाँ पे 3 और 4 4 डबल चेन। यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 3 में इसे स्टिच कर दूंगी। फिर इधर 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 में डबल चेन, 1 2 3 और 4 यहाँ पे 4 चेन। इस तरह स्टॉल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे अब इधर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इन सेंटर के इन दोनों के दरमियान में 6 एक इधर, फिर दूसरी बार स्टिच। यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेने हैं, फिर इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक बार, फिर दूसरी बार। अब यहाँ पे 1 2 3 3 4 4 4 5 6 यहाँ पे 6 चेन लेने हैं, फिर इस तरह इसको बंद कर देना। इस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 इन दो इनके ऊपर 4 चेन बनाना है। यहाँ पे एक बार स्लिप स्टिच, फिर दूसरी बार, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे एक बार, फिर दूसरी बार, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 1 चेन बनाने के बाद इस रिंग में जो भी 4 डबल चेन के ऊपर था उसमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल चेन। यहाँ पे 10 डबल चेन बनाए हैं। फिर इधर 10 डबल चेन बनाने के बाद 1 चेन के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल चेन, फिर 1 चेन बनाने के बाद इन 3 डबल चेन के ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 10 डबल चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 10 डबल चेन यहाँ पे। अब 1 चेन के बाद इसमें इस रिंग में 1 यहाँ पे हुक यूज करना है। 2.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल चेन।
अब यहाँ पे फंक्शन वंक्शन के बाद इनपुट के ऊपर यहाँ पे स्टिच, अब फिर यहाँ पे वंक्शन वंक्शन बनाने के बाद इसके ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन डबल चेन यहाँ पे, टेन डबल चेन वन चेन यहाँ पे इधर, फिर यहाँ पे वन चेन इसी में। अब यहाँ पे वन चेन को छोड़ के टू चेन में से इस तरह बंद कर देना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन यहाँ पे, वन टू थ्री, थ्री चेन के यहाँ पे से बंद कर देना है। अब इसमें डबल चेन वन टू थ्री, थ्री चेन इधर वन टू थ्री, थ्री चेन यहाँ पे वन वन टू थ्री, थ्री चेन इधर वन टू थ्री, थ्री चेन इधर तीन छः यहाँ पे सात बना लिए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात बनाने के बाद इसमें यहाँ पे हाफ चेन लेना है, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे हाफ चेन, यहाँ पे टोटल तीन वूल हो जाएंगे, एक इस पे इसको छोड़ के फास्ट को छोड़ से, यहाँ पे भी फास्ट को छोड़ के से। अब यहाँ पे तीनों पीस क्या करना है, वन टू थ्री, थ्री चेन फिर इसके ऊपर यहाँ पे वन टू थ्री यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, यहाँ पर आठ डबल चेन, ये हाफ चेन यहाँ पे लिया, फिर वन चेन को छोड़ के टू के ऊपर एक डबल चेन, यहाँ पे इन तीनों फूल को एक साथ निकालना है। अब इधर वन टू थ्री, थ्री चेन फिर इसी में बंद कर देना है, इस तरह आप इस राउंड को कंप्लीट करना है, वन टू थ्री और वन टू थ्री, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिर खरगोश का ये है,
बड़े खरगोश पे यहाँ पे मैं मैश कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 19 चेन है, यहाँ पे 19 इंच है इसकी लेंथ। आप अपनी मर्जी का कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये बनाते हुए मुश्किल हो तो आप ये ना बनाएं, ये जो मैंने बनाया है वैसे ही बनाया जा सकता है।